इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर केमिकल वॉर चालू थी। सारे के सारे देश की अर्थव्यवस्था इतने बड़े जंग के कारण पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। पृथ्वी पर तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि सारे जगहों की इलेक्ट्रिसिटी और कारोबार एकदम से बंद हो चुके थे। पृथ्वी पर तो सिर्फ दो ही प्लेस थे जो अभी भी एक्टिव होते हैं। पहला यूएफबी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्रिटेन में मौजूद थी। यूएफबी एक ऐसी जगह थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग रहा करते थे। उनकी टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में द कॉलोनी नाम की एक जगह पर गरीब लोग रहा करते थे। अक्सर द कॉलोनी के सभी गरीब लोग यूएफबी में काम करने जाते थे और अमीर लोगों की गुलामी करते। द कॉलोनी और यूएफबी दोनों ही पृथ्वी के अलग अलग कोने पर मौजूद होते हैं, इसीलिए द कॉलोनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया से सारे वर्कर्स को अपने यहाँ काम करने के लाने के लिए यूएफबी वालों ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से द फॉल नाम की एक मशीन को क्रिएट किया। ये मशीन द कॉलोनी के वर्कर्स को बहुत ही कम समय में यूएफबी ट्रांसपोर्ट कर दी। मशीन हवा में नहीं बल्कि ये जमीन के अंदर से होकर जाती थी। इस टेक्नोलॉजी में पृथ्वी के अंदर तक छेद किया गया था जो खुलती थी दूसरी तरफ, यानी कि इसमें ग्रेविटी का यूज किया जाता था स्पीड हासिल करने के लिए। अब हमें यहाँ डगलेस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक लेडी के साथ लगातार भाग रहा था। डगलेस और उस लेडी के पीछे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर पड़े होते हैं जिनके ऊपर हमला करते हुए वो दोनों लगातार आगे भाग रहे होते हैं। पर थोड़ी देर बाद डगलेस को पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया और अपनी हिरासत में ले लिया, पर वो लेडी वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद डगलेस की आंख खुल गई थी जिससे कि पता चला कि वो ये सारी चीजें अपने सपने में देख रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि डगलेस को यही सपने कई बार आ चुके थे। फिलहाल डगलेस द कॉलोनी में अपनी वाइफ लीन के साथ रहा करता था। डगलेस एक गरीब आदमी होता है इसीलिए वो काम करने के लिए बाकी वर्कर्स के साथ यूएफबी जाता, जहां पर वो एक मशीन बनाने वाली कंपनी में टेक्नीशियन था। डगलेस का एक बहुत ही अच्छा दोस्त थैरी भी उसके साथ ही काम पर जाता। अब सारे वर्कर्स हमेशा की तरह उस फॉल वाली मशीन के अंदर बैठ जाते, जो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर सारे वर्कर्स को द कॉलोनी से यूएफबी में सही सलामत ट्रांसपोर्ट कर देती। डगलेस बाकी वर्कर्स के साथ फॉल मशीन के अंदर बैठा हुआ होता है, तभी उसकी नजर रिकॉल नाम के एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट पर गई, जो बता रहे थे कि उनके पास एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो इंसानों के दिमाग में अलग अलग टाइप की यादें भर सकते थे। ये वो यादें थी जिसे कि इंसान खुद नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसे एक्सपीरियंस करना है तो यादें उसके दिमाग में इंसर्ट की जा सकती थी। जैसे कि अगर कोई इंसान सुपरस्टार की जिंदगी जीना चाहता है तो सुपरस्टार से रिलेटेड सारी यादें उसके दिमाग में इंसर्ट कर दी जाएंगी और ये सारी चीजें उस इंसान को एकदम रियलिटी लगेंगी, जैसे कि वो सब उन सारे मोमेंट्स को जी चुके हैं। डगलेस की भी मन में बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि वो इन सारी चीजों को पूरा करे, इसीलिए डगलेस सोच रहा था कि वो रिकॉल नाम की इस टेक्नोलॉजी को ट्राई करेगा और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। जब डगलेस ने अपने दोस्त हैरी को ये बात बताई तब वो उससे मना करता रहता है, क्योंकि इंसानी ख्यालों के साथ खिलवाड़ करना कोई आम बात नहीं है। इसीलिए वो डगलेस को एडवाइस देता है कि तुम इन सारी चीजों से एकदम दूर ही रहो। अब यहाँ लगातार काम करते समय डगलेस को उसका एक साथी मिलता है जो बता रहा था कि उसने कई बार रिकॉल की टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारी यादें अपने दिमाग में इंसर्ट की थी और हर बार उसे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। उस वर्कर ने तो डगलेस को भी मोटिवेट किया कि तुम इसका यूज कर सकते हो। इसीलिए अब डगलेस अपना सारा काम खत्म करके डायरेक्टली चला गया था टोटल रिकॉल की कंपनी के पास। वहां पर वो अपने दिमाग के अंदर कुछ यादें इंसर्ट करवाना चाहता था जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकता। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वहां का टेक्नीशियन डगलेस को मशीन के ऊपर बिठा देता है और अब टेक्नीशियन डगलेस को बताने लगा था कि आप अपने दिमाग के अंदर किन यादों को इंसर्ट कराना चाहते हो। वो कह रहा था कि इन यादों की दुनिया में तुम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एजेंट और भी बहुत सारी चीजें बन सकते हो। डगलेस ने सोचने के बाद डिसीजन लिया कि वो एक एजेंट बनना चाहता है, इसीलिए अब वो टेक्नीशियंस अपने सारे प्रोसेस करते हुए डगलेस के बॉडी में एक लिक्विड इंजेक्ट करता है और अब मशीन एक्टिवेट कर दी गई थी। लेकिन थोड़ी देर तक प्रोसेसिंग होने के बाद वो मशीन अचानक से अलर्ट मैसेज थ्रो करने लगती है जिससे कि वो अचानक बंद हो गई थी। तब जाकर टेक्नीशियन को लग रहा था कि डगलेस रियलिटी में ही एक एजेंट है जो यहाँ पर उनके ऊपर रिसर्च करने आया था। टेक्नीशियन ने तो गुस्से में आकर डगलेस के ऊपर गन तान दी थी, पर अगले ही मोमेंट में वहाँ यूएफबी के बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्होंने टेक्नीशियन और उसके सारे साथियों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। अब वो सारे ऑफिसर्स डगलेस को
भी अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उन सभी को कमांड मिले थे कि वो डगलेस को पकड़ कर लेकर आ जाए, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे डगलेस को कुछ हो जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सारे ऑफिसर्स के ऊपर हमला भी करने लगा था। डगलेस को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा एक्टिव और फास्ट कैसे हो गई। वो तो जल्द से जल्द सारे ऑफिसर्स को एलिमिनेट करके वापस अपने घर पर आ जाता है अपनी वाइफ लिन के पास। डगलेस ने लिन को सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो रिकॉल कंपनी में गया था नई यादें इंसर्ट कराने के लिए, लेकिन फिर कुछ ऑफिसर्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया। डगलेस की वाइफ लिन ये सारी बातें सुनने के बाद अचानक ही डगलेस के ऊपर हमला करने लग जाती है। लिन ने बताया कि वो तुम्हारी कोई भी पत्नी नहीं है, बल्कि वो यूएफबी की एक एजेंट थी जिन्होंने लिन को डगलेस के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन डगलेस को साफ साफ याद होता है कि वो पिछले 6 सालों से लिन के साथ मौजूद है, बट लिन ये क्लैरिफाई करती है कि तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट किया गया था और वो सारी नई यादें डाली गई थी जिससे कि तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। डगलेस को धीरे धीरे सारी बातें पता चलती जा रही थी, इसीलिए अब वो लिन को लगातार मारते हुए बेहोश कर देता है और वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ। रास्ते में चलते समय अचानक डगलेस की मेल आईडी पर एक वीडियो मैसेज आता है। उसे ओपन करके देखने के बाद उसके अंदर एक अनजान आदमी था जो डगलेस को कह रहा होता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उस आदमी ने डगलेस को एक बैंक के लॉकर के बारे में बताया जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रीफ केस मौजूद था। वो डगलेस को कहता है कि तुम इस एड्रेस पर जाकर वो ब्रीफ केस ले लो जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वीडियो कॉल खत्म हो जाने के बाद तो डगलेस और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसके पास तो अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता एड्रेस पर जाकर चेक करने के सिवाय। डगलेस अब तुरंत ही बताए गए एड्रेस के बैंक में पहुंच जाता है और उस लॉकर को खोलकर ब्रीफ केस हासिल करता है। ब्रीफ केस ओपन करने पर उसमें एक कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जो और किसी की नहीं बल्कि डगलेस की ही होती है, जिसके अंदर डगलेस मैसेज दे रहा था कि यूएफबी वालों ने हमें धोखा दिया है और वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके हिसाब से यादें डालकर, इसीलिए अब तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल के एक रूम में छुपना पड़ेगा जहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ब्रीफ केस के अंदर कुछ पैसे और बहुत सारे पासपोर्ट मौजूद थे जिसकी मदद से डगलेस यहाँ से बाहर निकल सकता था। और अब वीडियो फुटेज में बताए गए अनुसार डगलेस भीष बदल कर निकल पड़ा था उस सिक्योरिटी वाले कमरे की तरफ, लेकिन यूएफबी के गार्ड्स लगातार सभी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। डगलेस ने तो एक बूढ़े आदमी का भेष बदल लिया था, उसे लग रहा होता है कि शायद वो इससे बच जाएगा, लेकिन गार्ड्स को पता नहीं क्यों डगलेस पर शक हो गया था और अब सारे यूएफबी के ऑफिसर्स डगलेस के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। डगलेस अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भागने लगा था, बट उसके पास भागने के लिए कोई चीज ना होने के कारण उसे लग रहा होता है कि वो पकड़ा जाएगा। तभी अचानक मलीना नाम की एक लेडी अपनी उड़ने वाली स्पेसशिप को लेकर डगलेस के सामने आ जाती है और डगलेस के अंदर बैठने पर मलीना उसे तुरंत ही दूर लेकर जाने लगी थी। डगलेस मलीना को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि डगलेस को अपने सपनों के अंदर जो लेडी दिखाई देती वो और कोई नहीं बल्कि मलीना ही थी। मलीना तुरंत ही डगलेस को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाती है। डगलेस ने उस ब्रीफ केस को अच्छे से खोलकर देखा तब उसमें काल नाम के एक एम्प्लॉय की होलोग्राफिक वीडियो थी जो डगलेस को सारी सिचुएशन अच्छे से समझा रहा था। काल बताता है कि वो यूएफबी के चांसलर के लिए काम किया करता था। यूएफबी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे वर्कर्स को रोजगार मिलता था, इसीलिए कोई भी चांसलर के खिलाफ खड़ा नहीं होता, लेकिन मिथाइस नाम के एक लीडर जिसके साथ बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे वो चांसलर का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसीलिए चांसलर चाहता था कि वो किसी भी तरीके से मिथाइस और उसके लोगों को जान से मार दे। काल बताता है कि इसीलिए मुझे और तुम्हें अपॉइंट किया गया था मिथाइस और उसके साथियों को ढूंढने के लिए। डगलेस को इन सारी बातों से इतना तो पता चल गया था कि चांसलर एक बहुत ही बुरा आदमी है और वो चाहे तो कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। मलीना डगलेस को बता रही थी कि चांसलर जो चाहे वो करता और सभी लोगों को मार देता, लेकिन इसका इल्जाम वो कॉलोनी वाले लोगों पर लगाता। जब चांसलर को पता चला कि तुम भी उसके अगेंस्ट हो गए हो, इसीलिए उसने अपने यूएफबी ऑफिसर्स को बोलकर तुम्हारे दिमाग की सारी यादें मिटा दी और नई यादें इंसर्ट कर दी जिसमें कि तुम समझने लगे कि तुम कॉलोनी में ही पले बड़े हो और तुम लिन के साथ 6 साल से रह रहे हो। दरअसल चांसलर टेक्नोलॉजी का यूज करके रोबोट्स की बड़ी सेना बना रहा था जिससे कि वो धीरे धीरे करके कॉलोनी पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले ले। यहाँ बातों ही बातों में काल के मैसेज के अंदर डगलेस को ये पता चलता है कि उसके दिमाग में एक ऐसा यूनिक कोड मौजूद है जिसकी मदद से चांसलर की रोबोट की सेना को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। पर अफसोस की बात
ये थी कि डगलेस अपनी सारी यादें भूल चुका है और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस कोड को कैसे निकाला जाए। तब जाकर कार्ल बता रहा था कि तुम्हें इन सारी चीजों के लिए मिथाइस से मिलना पड़ेगा, जो चार्ल्स के खिलाफ खड़ा रहता और वो इसी यूएफबी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, क्योंकि मिथाइस ही वो आदमी है जो डगलेस के दिमाग से कोड बाहर निकाल सकता है। मलीना डगलेस को बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन पुलिस वाले एक दिन हमें मारने के लिए हमारे पीछे आ गए। पुलिस की एक बुलेट हम दोनों के हाथों में से पार हुई थी, जिससे कि निशान बने होते हैं। डगलेस ने जब ध्यान से देखा कि गोली के निशान उसके हाथ पर मौजूद हैं और सेम निशान मलीना के भी हाथ पर हैं। डगलेस तो इन्हीं सारी चीजों को अपने सपने में बार बार देखा करता था, उसे क्या पता था कि ये सारी चीजें एकदम रियलिटी हैं। अब डगलेस और मलीना जैसे ही घर से बाहर निकले, तभी उनके सामने डगलेस का दोस्त हैरी अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर आया होता है। हैरी तो डगलेस के ऊपर गन पॉइंट करके कह रहा था कि तुम हमें सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम अभी भी इमेजिनेशंस की दुनिया में मौजूद हो। रिकॉल मशीन में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू होने के कारण तुम अभी भी इस दुनिया में कैद हो चुके हो। तुम्हारी वाइफ फ्लिन अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब डगलेस को ये पता चला, तब उसे एहसास होने लगता है कि शायद हैरी सही कह रहा है। हैरी डगलेस को बता रहा था कि अगर तुम्हें इस पूरे जाल में से बाहर निकलना है, तब तुम्हें मलीना को जान से मारना होगा। हैरी ने भी मलीना के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। मलीना अब चाहे भी तो बच नहीं सकती थी, और इसी सिचुएशन से डरते हुए मलीना की आंखों से आंसू आने लगता है, जिसे देखकर डगलेस को समझ में आ चुका था कि ये सपनों की दुनिया नहीं है, बल्कि मलीना तो उसके साथ सच में मौजूद थी। इसीलिए अब डगलेस ने मलीना को गोली ना मारकर हैरी को ही उड़ा दिया था। हालांकि सारे पुलिस ऑफिसर्स लगातार उन दोनों के ऊपर हमला करने लगे होते हैं, बट डगलेस किसी भी तरीके से मलीना को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों के हमले से बचने के बाद दोनों उस जगह पर निकल पड़ते हैं जहां पर मिथाइस और वो सारे विरोधी रहते थे जो चांसलर के अगेंस्ट खड़े होते हैं। मिथाइस के पास पहुंचने के बाद डगलेस उन्हें सारी बातें बता रहा था। डगलेस कह रहा था कि मेरे दिमाग में एक ऐसा कोड इंसर्ट किया गया है जिसे कि चांसलर के बनाए गए सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता था। डगलेस तो मिथाइस से कह रहा होता है कि क्या आप वो कोड मेरे दिमाग में से निकालने में मदद कर सकते हो कि नहीं। मिथाइस, जो मलीना का फादर था, वो डगलेस की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब मिथाइस ने डगलेस को एक डीकोडिंग करने वाली मशीन के ऊपर बिठाया, जो उसके दिमाग में से सारी यादों को डीकोड करने लगा होता है। कई मिनटों तक कोशिश करने के बाद मिथाइस को पता चला कि डगलेस के दिमाग में तो कोई भी कोड मौजूद नहीं है, यानी कि ये सारी चीजें पहले से प्लान की गई थी। तभी अचानक उनके रूम में चांसलर का एक वीडियो मैसेज आता है, जो मिथाइस से कह रहा था कि अब मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, यानी कि डगलेस के दिमाग में कोड मौजूद होना ये पूरी तरीके से गलत था। ये सारी चीजें तो मिथाइस की लोकेशन पता करने का एक प्लान होता है, क्योंकि मिथाइस एक ऐसी जगह पर छुपा हुआ था जिसे कि कोई भी नहीं ढूंढ सकता। जब ये बात डगलेस, मिथाइस और मलीना को पता चली, तब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अब जल्द से जल्द उस जगह पे चांसलर अपने सारे ऑफिसर्स के साथ आ गया था, जो मिथाइस के सभी साथियों को एक साथ ही मारने लग गए थे। यानी कि अब मिथाइस कहीं भी भागकर जा ही नहीं सकता था। चांसलर ये देखकर डगलेस को शाबाशी देता है कि तुमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया। दरअसल डगलेस याददाश्त जाने से पहले चांसलर का ही आदमी था, और उसने ही ये प्लान बनाया होता है मिथाइस को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। डगलेस ने चांसलर के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो अपने दिमाग में एक कोड होने का नाटक करेगा, जिससे कि चांसलर के रोबोटिक सेना को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, और वो इसी गलत खबर का यूज करके मिथाइस और उसके लोगों के लोकेशन का पता लगाएगा। और अब तो डगलेस का ये मिशन एकदम से सक्सेसफुल भी हो चुका होता है। हालांकि डगलेस को अपनी पुरानी यादें बिल्कुल भी याद नहीं होती, बट उसे इतना पता है कि चांसलर एक बहुत ही बेकार आदमी है। यहाँ पर चांसलर ने अब अपने दुश्मन मिथाइस को गोली मारकर उसकी जान ले ली थी, और अब उसने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया कि डगलेस और मलीना को कैद कर दिया जाए। चांसलर ने अपने ऑफिसर्स को कहा कि डगलेस को इंजेक्शन देकर उसकी सारी पुरानी यादें वापस ला दी जाएं, जिससे कि वो पहले की तरह अब उसका आदमी बन सकता था। लेकिन इन चीजों से डगलेस की वो नई यादें, जिसमें कि मलीना भी शामिल थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। डगलेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी नई यादें इस तरीके से मिट जाएं। कुछ ऑफिसर्स डगलेस को लेकर निकल पड़ते हैं उसकी नई यादों को मिटाने के लिए, लेकिन वो सब जैसे ही डगलेस को इंजेक्शन लगाने जाते, तभी डगलेस का एक दोस्त आकर उसे वहां से छुड़ा लेता है। डगलेस भी जल्द से जल्द चांसलर के ऑफिसर्स को मारते हुए वहां से बाहर निकल गया था। चांसलर के पास तो अभी भी मलीना कैद थी, बट अब वो अपनी पूरी सेना के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी मदद से वो कॉलोनी की तरफ जा सके।
चांसलर का प्लान था कि वो अपनी पूरी रोबोटिक सेना के साथ कॉलोनी के ऊपर हमला करके वहां कब्जा कर लेगा। डगलेस भी अब जल्द से जल्द वहां आकर सबसे पहले लिफ्ट के ऊपर बॉम्ब्स लगा देता है, जिससे कि चांसलर और उसकी सेना कॉलोनी पर नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद वो तुरंत ही उस चैम्बर में आ गया था जहां पर मलीना को कैद करके रखा गया है। डगलेस ने तो अपनी गन की मदद से वहां पर मौजूद ऑफिसर्स के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। कैसे भी करके डगलेस मलीना को वहां से छुड़ाता है, बट अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स डगलेस के सामने आ जाते हैं। उन्होंने डगलेस को फिर से पकड़ लिया था जो चांसलर के सामने उसे पेश करते हैं। चांसलर तो अब शायद डगलेस की इस हरकत की वजह से उसे सजा दे रहा था। वहां लिफ्ट के चालू होते ही चांसलर की पूरी रोबोटिक सेना अब द कॉलोनी के यहां पर पहुंच जाती है। यहां चांसलर और डगलेस के बीच में देखते ही देखते काफी गंभीर लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। हालांकि डगलेस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चांसलर काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण उस पर डोमिनेट कर रहा था। तभी अचानक डगलेस द्वारा लगाए गए लिफ्ट के अंदर मौजूद टाइम बॉम्ब एक एक करके ब्लास्ट होने लग जाते हैं। चांसलर का ध्यान इन सारे धमाकों की वजह से डाइवर्ट हो गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर डगलेस ने एक हथियार की मदद से चांसलर को जान से मार दिया। चांसलर द्वारा बनाए गए सारे के सारे रोबोटिक आर्मी उसी लिफ्ट में फंस जाती है और अब वो डायरेक्टली द कॉलोनी से नीचे की तरफ गिरने लगे थे। डगलेस और मलीना जल्द से जल्द लिफ्ट से दूसरी तरफ कूद जाते हैं और अब पृथ्वी के एकदम दूसरे कोने पे आके गिरने के बाद सारी चीजें ब्लास्ट हो चुकी थी। उस धमाके में तो चांसलर और उसकी पूरी रोबोटिक सेना डिस्ट्रॉय हो जाती है। मलीना तो अपने कॉन्शियस में आ चुकी थी, लेकिन डगलेस को चोट लगने के कारण वो अभी भी बेहोश होता है। कुछ देर बाद जब डगलेस ने अपनी आंखें खोली तब वो सामने मलीना को देखता है, जो कि डगलेस के मुश्किल समय में भी उसके साथ थी। तभी अचानक डगलेस की नजर मलीना के हाथ पर जाती है, जहां पर गोली लगने का निशान बिल्कुल भी नहीं था। इन सारी चीजों से डगलेस समझ चुका था कि ये असली वाली मलीना नहीं है। डगलेस तुरंत ही उठता है और मलीना को पकड़कर उससे गोली मार देता है। वैन का दरवाजा जैसे ही ओपन हुआ तब पता चला कि ये मलीना नहीं बल्कि उसके भेष में लिन थी। डगलेस जब बाहर आता है तब उसकी मुलाकात असली वाली मलीना से हो रही थी, जो एक दूसरे से मिलकर गले लग रहे थे। दोनों को एक दूसरे की काफी ज्यादा फिकर थी। डगलेस ने अपने हाथ पर देखा कि यूएफबी का वो सिंबल गायब हो चुका है। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये रियलिटी है या फिर सपनों की दुनिया, लेकिन चाहे अब कुछ भी हो जाए उसने मलीना के साथ रहने का डिसीजन ले लिया था। डगलेस तो अब खुशी खुशी मलीना के साथ रहने लगा था, यानी कि अब कॉलोनी के लोगों के पास यूएफबी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी जहां पर वो अपनी बस्ती बसा सकते थे। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचर से भरी हुई कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।